हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले सीजन के अंदर बहुत अच्छा खेल दिखाया और टीम प्लेऑफ्स में जा पहुंची। टीम को क्वालिफाई टू के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स से हार मिली, पर उसके अलावा दिल्ली की टीम ने बहुत अच्छा खेल दिखाया पूरे के पूरे टूर्नामेंट के अंदर। इस बार दिल्ली की टीम एक स्टेप आगे जाना चाहेगी और उस आईपीएल ट्रॉफी को भी जीतना चाहेगी। टीम ने इसके लिए मयंक मार्कंडे को ऑलरेडी टीम में साइन कर लिया और इस बार मैं आपको बताने वाला इस वीडियो के अंदर ऐसे कौन से तीन प्लेयर है जिनको टीम रिलीज करने वाली इस बार ऑक्शन से पहले। इन प्लेयर्स को टीम रिलीज करेगी और अच्छे प्लेयर्स लेके इनके जगह पे। सबसे पहले प्लेयर आते हैं इस लिस्ट के अंदर, उनका नाम है साउथ अफ्रीका के कॉलिन इंग्राम। पिछले साल दिल्ली की टीम ने कॉलिन इंग्राम को 6.5 करोड़ की कीमत के ऊपर अपनी टीम में शामिल किया था। कॉलिन इंग्राम एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस प्लेयर है, पर टीम ने उनको पूरे 12 मौके दिए और उसके अंदर वो सिर्फ 184 रन बना पाए। उनका एवरेज था सिर्फ 18 रन का और स्ट्राइक रेट थी उनकी सिर्फ 118 की। तो कॉलिन इंग्राम में बुरी तरह से डिसअपॉइंट किया पूरी टीम को। 6.5 करोड़ की कीमत के ऊपर उनको टीम ने लिया गया था, पर वो बिल्कुल भी नहीं कर पाए। वो काफी अच्छा खेलते बिग बैश के अंदर, पर आईपीएल के पिचों को रास नहीं आई और इस बार वो बिग बैश के अंदर भी नहीं खेलने वाले हैं, तो ये बात भी उनकी जगह डिसअपॉइंट कर सकती है। तो दिल्ली की टीम 100% कॉलिन इंग्राम को इस बार रिलीज करने वाली है, उनकी जगह वो कोई और प्लेयर ले सकती है। बहुत सारे प्लेयर हैं ऑक्शन के अंदर, पर कॉलिन इंग्राम को रिलीज होना पूरा पक्का है इस बार दिल्ली की टीम से। इस लिस्ट के अंदर दूसरा नाम आता है न्यूजीलैंड के कॉलिन मनरो का। कॉलिन मनरो को T20 का एक पायनियर क्रिकेटर माना जाता है, बहुत अच्छे प्लेयर है वो। उनके नाम T20 में 3 शतक दर्ज है, पर पिछले साल उनको सिर्फ 4 मौकों में दिए गए टीम ने, 4 मौकों में वो सिर्फ 84 रन ही बना पाए और उसके अलावा बिल्कुल अच्छा नहीं खेल पाए। कॉलिन इंग्राम न्यूजीलैंड के लिए भी कुछ खास नहीं कर पा रहे पिछले एक साल से और अभी कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर भी वो अच्छा नहीं खेल पाए। तो कॉलिन के रेट्स जरूर से डाउन गए होंगे, टीम के जिनको जिस प्राइस में खरीदा था वो तो जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर पाए और बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल पाए। तो कॉलिन मनरो का भी रिलीज होना एकदम पक्का है टीम से और कॉलिन मनरो भी अगले साल आईपीएल ऑक्शन के अंदर जाने वाले हैं। इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है लेग स्पिनर राहुल तेवतिया का। राहुल तेवतिया को भी रिलीज करने वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस साल। पिछले साल उनको 5 मैचों में खेलने का मौका दिया गया जहां पे वो 2 विकेट ले पाए और उसके अलावा भी बिल्कुल अच्छा नहीं खेल पाए। मेन बात यह है कि दिल्ली की टीम में ऑलरेडी अक्षर पटेल है, संदीप लमिछने हैं, अमित मिश्रा और मयंक मार्कंडे भी, तो इतने सारे स्पिनर ऑलरेडी टीम के अंदर हैं, तो इस वजह से भी राहुल तेवतिया का टीम में रिलीज होना पक्का है। तो राहुल तेवतिया को भी दिल्ली की टीम रिलीज करने वाली है और राहुल तेवतिया भी इस बार के आईपीएल ऑक्शन का पार्ट होने वाले। तो ये ऐसे 3 प्लेयर जिनको दिल्ली कैपिटल्स की टीम पक्का इस बार रिलीज करने वाली है और अपनी टीम में और अच्छे प्लेयर को लेने की कोशिश करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो को पसंद जरूर से आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चाहोगे इस वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो का बहुत बहुत थैंक यू। मुलाकात होगी आप नेक्स्ट वीडियो का, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।